अच्छी थी ओवरऑल, इट वाज गुड. थोड़ी और अच्छी बना सकते थे, बीच बीच में कहीं थोड़ा सा लगता था, बट सनी देओल वाज गुड, प्रीति जिंटा वाज सुपर्ब. कॉमेडी भी थी, कोई कोई पार्ट बहुत मज़ेदार थे, सो ओवरऑल आई एंजॉयड इट. भैया जी सुपर एट वन टाइम वॉच मूवी है, आप एक टाइम के लिए फैमिली के साथ देख सकते हैं, इतनी बुरी भी नहीं है. बट हाँ, वो जो सनी देओल को हम देखना चाह रहे हैं वो सनी देओल नहीं मिलेगा आपको. अरशद वारसी, संजय मिश्रा, हाँ संजय मिश्रा और अरशद वारसी बहुत बढ़िया है. उन जो भी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उनका करेक्टर है, जिस हिसाब से वो करते हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया. जिस तरीके से वो वाइफ और जो हस्बैंड है उनके बीच की स्टोरी दिखाई गई है, बट जो एक्चुअल में दिखाना चाहिए उस तरीके ने ना आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि कोई डॉन की स्टोरी है, ना वो प्रॉपर डॉन स्टोरी है, ना वो प्रॉपर लव स्टोरी है. बट जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की शायद अपनी तरह से उन्होंने दिखाया, बट उतना आप नहीं कह सकते कि उतना उससे उन्होंने अच्छा किया होगा. बहुत अच्छी एक्टिंग, सनी देओल और प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छी पिक्चर डेफिनेटली. एक टाइम तो देखा जा सकता है, अभी जो बाकी पिक्चर्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में मुझे तो अच्छी नहीं लगी है. तो इसमें स्टोरी वगैरह बराबर नहीं है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, वेस्ट हो गया एक्टर को, वेस्ट हो गया सब, वेस्ट है आपके वेस्ट. इसका डबल रोल पसंद नहीं आया. कॉमेडी जो इसमें बताई जा रही है, कॉमेडी बहुत चीप कॉमेडी है, इसके लिए वो चलेगी नहीं पिक्चर. कॉमेडी में भी मजा आना चाहिए ना. भैया जी सुपर हिट से जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी हाई थी, बट वो काफ़ी नीचे चले गए मेरे हिसाब से, क्योंकि सनी देओल को हम हमेशा तीनों ड्रामा वो सब में देखते हैं, और कॉमेडी मुझे ऐसा लग रहा है उन पर बिल्कुल जच नहीं रहा. पैसा वेस्ट नहीं बोल सकती, चलो अगर 100 रुपये डाला तो लाइक 80% तो वसूल हो ही गया. प्रीति जिंटा एंड अमीषा पटेल वॉज लुकिंग वेरी गुड ऑन दिस मूवी, बट आई थिंक सो कॉमेडी उनके लिए भी शायद नहीं जमा इस बार, तो फॉर मी इट्स लाइक वन टाइम वॉच. मुझे आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच, थोड़ी एवरेज लगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसमें एक्टर्स थे, इसमें श्रेयस तलपड़े थे, अरशद वारसी थे, सनी देओल जिनको यमला पगला दीवाना के लिए जाना जाता है, अरशद वारसी जो मुन्ना भाई MBBS, सो गिवन द फैक्ट प्रीति जिंटा शी इज़ गुड, उनका रोल मुझे बहुत पसंद आया, उन्होंने UP एक्सेंट एक्वायर किए फिल्म के लिए. बट जिस तरह के एक्टर्स जो अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, सो आई फेल्ट इट वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग कि उन इतने अच्छी स्टारकास्ट थी, तो नीरज पांडे जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बहुत कुछ करवा सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स डाल सकते थे. मूवी इज एंटरटेनिंग बट अगेन इन बिट्स एंड पार्ट्स है, कॉमिक सीन्स काफ़ी कॉमेडी पंचेस है, हिलेरियस हैं. देयर फ्यू सीन्स बिटवीन सनी देओल एंड प्रीति जिंटा विच आर वेरी फनी, एंड संजय मिश्रा का भी छोटा सा रोल है, उनको देख के हंसी आ जाती है. तो ऐसे हैं, मतलब काफ़ी सीन्स हैं, बट देन अगेन एक्शन सीन्स आर सो रैंडम, बीच में रैंडम कैरेक्टर्स ये किए हैं, तो दैट इज़ वाई यू नो एट वन पॉइंट यू फाइंड इट वेरी इलॉजिकल एंड कहीं से भी कोई भी आ रहा है. सो अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देते, उसकी लेंथ को थोड़ा सा एडिट कर देते, तो आई थिंक इट वुड हैव डन रियली वेल. एक बार देखी जा सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी स्टारकास्ट है और सभी अपने अपने यू नो जाने जाते हैं कॉमेडी जॉनर में, अपना अपना सबने बहुत अच्छे रोल्स निभाए इन द पास्ट, तो एक बार देखी जा सकती है, एंड फ्यू सीन्स आर वेरी फनी, तो इट विल एंटरटेन यू. बट थोड़ा सा लेंथ की वजह से थोड़ा ये हो सकता है कि इट बिकम्स स्लो पेस्ड इन बिटवीन, बीच में एक्शन सीन्स है सेकेंड हाफ में, सो उस तरह से थोड़ा सा ड्रॉबैक है. सूट हो रहा था यमला पंगला दीवाना सीरीज, यू नो ही इज़ नोन फॉर कॉमेडी एज वेल, इंटेंस रोल्स उन्होंने मोहल्ला सी रिसेंटली की जो लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत ही इंटेंस रोल था, और उससे पहले भी चालबाज में अगर देखी तो वो भी थोड़ा सा कॉमिक जैसा रोल था, तो ही इज़ वेरी गुड एट कॉमेडी एज वेल. ऑल ऑफ देम इनफैक्ट यू नो सनी देओल एंड धर्मेंद्र एंड बॉबी देओल, दे आर वेरी गुड एट कॉमेडी. तो ये मूवी में भी सनी देओल का रोल अच्छा है, बट अगेन लाइक आई सेड इट्स नॉट वेरी कंसिस्टेंट.